एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव बाय फॉरेस्ट रेंज बनी डिवीजन बिसोली अंडर डायरेक्ट ओवरसाइट ऑफ डीएफओ बिसोली रेंज ऑफिसर बनी। किस तरह की आपने कार्रवाई की और आने वाले समय में कार्रवाई होगी सर? ये बनी में 84 कंपार्टमेंट है बनी ब्लॉक का। यहाँ पे एक द्रमणी नाला जगह है, वहाँ पे जो है वो कुछ लोगों ने दो खोखे पहले के इंस्टॉल किए थे और एक खोखा परसों उन्होंने इंस्टॉल करने की कोशिश की। हमने अपनी टीम को भेज के वहाँ पे पहले स्टेटस ऑफ लैंड वेरीफाई करवाया, उसके बाद जब स्टाफ ने रिपोर्ट किया कि ये फॉरेस्ट लैंड है तो हमने जो भी दुकानदार थे उनको दो दिन से परसुएड करने की कोशिश की कि आप जो है वो यहाँ से अपने खोखे या जो भी अपने लीगल स्ट्रक्चर अपने यहाँ पर रखे हैं उनको यहाँ से उठा लीजिए और फॉरेस्ट लैंड को वैकेट कीजिए। लेकिन उन लोगों ने बोला कि हाँ हम उठा लेंगे, हमने उनको दो दिन का टाइम दिया लेकिन उन लोगों ने ना वो खोखे उठाए वहाँ से और ना फॉरेस्ट लैंड वैकेट की। उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने फॉरेस्ट रेंज बनी ने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन टीम ने मिलके आज जो है वो एविक्शन की प्रोसीडिंग शुरू की। सेक्शन 79 के तहत जो भी इलीगल पोजेशन है फॉरेस्ट लैंड की जिन लोगों के पास, उसको रिट्रीव करने के लिए हमने वहाँ पे कार्रवाई की। जो भी इलीगल स्ट्रक्चर थे फिक्स थे जो, उनको हमने डिसमेंटल कर दिया स्पॉट पे, और जो मूवेबल स्ट्रक्चर थे रेडियो की शेप में वो हमने वहीं रहने दिए। और एक स्ट्रक्चर का मालिक जो था वो लॉक लगा के कहीं चला गया था तो हमने उसको भी वार्निंग दे दी टेलीफोनिकली, दो दिन में जो है वो वहाँ से अपना इलीगल स्ट्रक्चर उठा ले और जो भी उसके अंदर सामान पड़ा सारा उठा ले, नहीं तो महकमा कार्रवाई करेगा और फिर जो है आपका ये सारा का सारा मटेरियल सीजर में भी जाएगा और आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। जिस कदर लोगों का रिजेंटमेंट है विभाग से कि कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि ये सिलेक्टिव इविक्शन हो रहा है, और भी इंक्रोचमेंट से बहुत सारी जगहों पे फॉरेस्ट रेंज बनी की अगर बात करें हम, तो किस तरह का आपका एक्शन रहेगा जहां लोगों में रिजेंटमेंट है कि कहीं ये सिलेक्टिव तो नहीं है या नहीं पूछ रहे हैं, तो कौन कौन से जो है आपके राडार पे होंगे जो लोग इंक्रोचर्स हैं? जो भी इंक्रोचर हैं उनके लिए सबके लिए बराबर कानून है, कोई भी सिलेक्शन वाला तो इसमें चांस ही नहीं है। हमने आज कार्रवाई नायब तहसीलदार साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप एज ए मैजिस्ट्रेट हमारे साथ चलो तो हम एविक्शन करेंगे, लेकिन शायद वो अपने शेड्यूल उनका बिजी था तो वो आज हमारे साथ नहीं जा पाए, जिस वजह से जिन दुकानों को लॉक लगे थे उनको हम नहीं तोड़वा सके क्योंकि हमारे साथ कोई मैजिस्ट्रेट नहीं थे साथ में। जिन दुकानों के अंदर सामान नहीं थे उनको हमने आज ही डिसमेंटल कर दिया, बाकियों को हमने जो है वो वार्निंग दे दी है दो दिन का उनको टाइम दिया गया है, उसके बाद उनके ऊपर भी बराबर कार्रवाई की जाएगी। फॉरेस्ट लैंड जो है वो कहीं पे भी इनक्रोच्ड है उसको तो वैकेट किया जाएगा, वो चाहे किसी भी स्टेटस का आदमी हो, किसी भी जात धर्म का आदमी हो, किसी के साथ कोई भी सिलेक्टिव एक्शन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल बराबर जो भी फॉरेस्ट लैंड जिनके पोजेशन में भी फॉरेस्ट लैंड है, जिनके जो भी जो है वो रॉन्गफुल गेन कर रहे हैं फॉरेस्ट लैंड से, उन सब के ऊपर बराबर कार्रवाई होगी। और एविक्शन प्रोसीडिंग जो है अभी हमारी कंटिन्यूस है, इसलिए हम जो है वो आपके माध्यम से जिन लोगों ने दूसरों ने भी इनक्रोचमेंट करके रखी हुई है या जिनकी पोजेशन में फॉरेस्ट लैंड है वो खुद ही उसको खाली करवा दें ताकि आप जो है वो कार्रवाई से बच जाएंगे। अगर आप खाली नहीं करेंगे हम महकमे की तरफ से कार्रवाई करेंगे तो आपके ऊपर केस भी बुक होगा और आपका एविक्शन प्रोसीडिंग में जो आपका नुकसान होगा वो भी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनके पास भी इलीगल पोजेशन है लैंड की वो काइंडली खुद ही उसको वैकेट कर दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Thank you.
हम